सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की, जहां राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में जल्द मानसून एंट्री कर सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, जहां 4 से 5 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक देने वाला है। प्री मानसून एक्टिविटी से मौसम का हाल बदलता हुआ भी नजर आएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी मानसून जल्द ही एंट्री दे सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अगर हम मानसून के दस्तक की बात करें तो जल्द ही मध्य प्रदेश की में मानसून एंट्री कर सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 4 से 5 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, अब इसी भीषण गर्मी से मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 4 से 5 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून आ सकता है, और इसी को लेकर तमाम जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है। तो मौसम वैज्ञानिक से बात की हमारे संवाददाता मयंक दुबे ने, क्या कुछ कहा है मौसम के हाल को लेकर, चलिए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के हिस्सों को कवर कर चुका मानसून अब मध्य प्रदेश के नजदीक ही है, यानी 4 से 5 दिन में मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश जी, आइए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अब मानसून की एंट्री जल्द से जल्द हो सकती है? जैसे कि देख सकते हैं आप, पिछले 24 घंटे में जैसे हम पूर्वानुमान दिया था उसके हिसाब से जो है कल 24 घंटे में बहुत से जगहों पे जो है डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में रेनफॉल हुआ है, जैसे कि बालाघाट हो गया है, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, राजगढ़, देवास, राजगढ़ है ना, नीमच में वगैरह अनेक जगहों पर वर्षा दर्ज की गई है। उसके साथ ही जो अपना उत्तरी मध्य प्रदेश के जो जिले है वहाँ पे, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के, जैसे कि खजुराहो में आप देख सकते हैं 45.4 डिग्री सेल्सियस जो है हाईएस्ट रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर है। उसके बाद छतरपुर है बीजावर एआरजी में, और निवाड़ी में जो है पृथ्वीपुर जो है वहाँ पे भी 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ये हीट वेव कंडीशन में तीनों जगह हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई है। तो ये 13 तारीख को आप देख सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जगह पे, जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल का पोर्शन छोड़ दिया जाए, और सागर संभाग के उत्तरी पोर्शन छोड़ दिया जाए, और रीवा संभाग का कुछ जिले छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जगह पे जो है हल्की वर्षा, आइसोलेटेड फॉर्मेट में वर्षा होने की हमने पूर्वानुमान दिया है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चेतावनी भी दी है, तो ऑरेंज कलर की चेतावनी जो दी है वहाँ पे छिंदवाड़ा, पांडूरना, सिवनी, मंडला, बालाघाट में जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। उसके साथ ही वहाँ पे तेज हवाएं भी चल सकती है, जो कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवा भी चलने की संभावना है। और येलो अलर्ट भी दिया है बाकी सभी जगह पे, जिसमें कि इंदौर उज्जैन संभाग के अनेक जिले, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के ऑलमोस्ट ऑल द जिले, और जबलपुर, शहडोल संभाग के ऑलमोस्ट सभी जिलों में जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। उसके साथ ही वहाँ पे तेज हवाएं भी चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। धन्यवाद। मौसम विभाग ने अभी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जो कि अभी आने वाले 2 से 3 दिन भी हल्की बारिश और आंधी लगातार चलती रहेगी, जिसके साथ हल्की बारिश भी होगी सभी जिलों में। और रही बात मानसून की, तो मानसून सभी जगह एक्टिव है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर तो मानसून आ गया है, लेकिन मध्य प्रदेश आने में अभी इसको और थोड़ा सा समय लगेगा। कैमरामैन रणबीर सिंह के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।